अभी ज्यादातर जितने भी जॉब्स के रिक्रूटमेंट आ रहे हैं कोलकाता लोकेशन में, वो हाई सैलरी पैकेज वाला जॉब्स आ रहा है। जी हाँ, मैं अभी बात जो करने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट सैलरी पैकेज जॉब्स है, एंड दैट मीन 18,000 रुपीज इन हैंड सैलरी इसमें मिलेगा। मतलब समझ रहे हो ना, अभी देखो क्या है, रिसेंटली पिछली बार जब हमने जॉब्स के एक्सप्लेन कर रहे थे, इसमें 15,000 रुपये सैलरी थे सेम प्रोफाइल के लिए, सेम जॉब्स के लिए। बट अभी जो है ये सैलरी इंक्रीजमेंट हो गया है, और ये सीटीसी अमाउंट नहीं है कि कर छट के फिर 15,000 ही आने हैं, ये आपका इनहैंड है, यानी कि टेक होम है, यानी कि ये बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट होने वाला अमाउंट है वो है, यानी कि 18,000 रुपीज टेक होम सैलरी प्रोवाइडेड फॉर यू। अगेन स्टेप बाय स्टेप वॉचिंग दिस वीडियोज एंड आफ्टर देन टॉकिंग नाउ फॉर कॉन्टेक्ट नंबर, प्लीज चेक नाउ डिस्क्रिप्शन मेहनाज मेम कॉन्टेक्ट नंबर, एंड आफ्टर देन टॉकिंग नाउ प्लीज वॉच नाउ फुल वीडियोज एंड आफ्टर देन टॉकिंग नाउ, बिलो टॉकिंग मत करना क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला। आप ये सोचते होंगे कि हम फैक्ट्री में हेल्पर का काम कर रहे हैं और हमें 18,000 रुपये इन हैंड मिलेगा, हम चले जाते हैं। ये निगेटिविटीज थिंकिंग है, क्योंकि आपने ना तो प्रोफाइल समझा है, ना ही कंपनी जाने हैं, ना ही आपका योग्यता जाने हैं। ये सारी चीज़ों को जानने के बाद में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होता है कि तब जाके टॉकिंग करें। प्लीज़ डोंट टॉकिंग अगेन बिफोर देन, ओके। सो देखो, मैं ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, मैं 3 से 4 मिनट में अपना इन्फॉर्मेशन दे के चला जाता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलना। लोकेशन है नई हटी बारा कपूर दमदम बरसात, ये 4 लोकेशन में जॉब्स के वैकेंसी होने वाले हैं, नई हटी बारा कपूर दमदम बरसात, BOB क्रेडिट कार्ड सेल्स, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड सेल्स करना है। डेजिग्नेशन है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे जो डेजिग्नेशन होने वाला है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का होने वाला है। एक्सपीरियंस है सेल्स एक्सपीरियंस, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओपन मार्केट सेल्स प्रिफरेंस, तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहेगा सेल्स एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओपन मार्केट सेल्स प्रिफरेंस है, मतलब कि जो ओपन मार्केट में सेल्स किए हैं उनको प्राथमिकता ये दी जाएगी। फ्रेशर्स कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि जो लड़के लोग फ्रेशर्स हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट रिक्वायर्ड इन दिस कंपनी, एंड यहाँ पे मेल का ही ऑप्शन नहीं है, फीमेल कैंडिडेट भी ऑल्सो अप्लीकेबल है, फ्रेशर्स कैंडिडेट ऑल्सो वेलकम है, अप्लाई है, अप्लाई मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट, सैलरी अप टू 18,000 रुपीज इन हैंड प्लस PF प्लस ESIC प्लस मेडिक्लेम प्लस इंसेंटिव प्लस सैलरी फिक्स्ड, नो टारगेट बेसिस सैलरी। यहाँ पे देखो सर, ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि टारगेट बेसिस जॉब्स है, इतना टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, इतना करेंगे तभी हमें ये मिलेगी, अब तभी हमें ये मिलेगी, बट ऐसा कोई फंडामेंटल्स नहीं होता है। यहाँ पे टारगेट बेसिस जॉब्स नहीं है और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, यहाँ पे टारगेट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो जो है सो क्वालिफिकेशन है मिनिमम BA पास कंपलसरी है, यानी कि आपका BA पास होना ज़रूरी है। सो एज है 18 से 30 सालों के बीच में है, यानी कि मिनिमम 18 है मैक्सिमम 30 ईयर्स है, 18 से 30 सालों के बीच में आपका एज का लिमिटेशन है तो आप चल सकते हो। जॉब रोल है सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल है, ओके। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड पैन कार्ड, यहाँ पे HS मार्कशीट बैंक अकाउंट डिटेल्स कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, फ़ोन नंबर मस्ट बी लिंक्ड अभी आधार कार्ड डिजी लॉकर आधार कार्ड वेरीफाई फोटो, मेहनाज मैम को टॉक कर सकते हो इस जॉब के लिए। देखिए मैं मानता हूँ कि सभी प्रोफाइल के लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं होंगे, दैट मीन इस प्रोफाइल के लिए फ्रेशर्स भी चल सकते हैं, बट उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, उसके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसको बंगाली अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसको हिंदी इंग्लिश अच्छे तरीके से आना चाहिए, साथ में बंगाली में वो प्रिफर्ड होना चाहिए, मतलब वो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स 100 में से 99% होना ही चाहिए जो एक अनुमानित होता है। सो बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने शेयर कर ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में मेहनाज मैम का नंबर है, दिस जॉब इज ऑलमोस्ट पेड नॉट ए फ्री जॉब, तो आप लोग टॉकिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।